अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं श्रद्धा हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप, व्रतियों का व्रत और सुसंस्कारियों का संस्कार मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ, राहु और शनिदेव का संयुक्त प्रयास मधु राक्षस के सामने असफल हो जाता है। सभी सात्विक ग्रह ध्रुव की सहायता करने का निश्चय करते हैं। राहु और शनिदेव ध्रुव की तपस्या खंडित करने का असफल प्रयास करते हैं। हे भक्तवत्सल भगवान, आप अपने भक्तों पर इतने निष्ठुर कैसे हो गए? मेरा ध्रुव आपके ही विश्वास पर अपना अधिकार मांगने गया था, परंतु ज्ञात नहीं और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी आपका अधिकार प्राप्त करने के लिए। हे दया के सागर, हे सच्चिदानंद, हे कृपा निधान, मेरी और कोई इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं मेरी, केवल मेरे पुत्र को मेरे पास भेज दे, केवल मेरे ध्रुव को मेरे पास भेज दे। आप तो संसार में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान रखते हैं, मैं तो वन के चप्पे चप्पे में ध्रुव को ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। आप ही बताएं, हमारा ध्रुव कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अपने पिता उत्तानपाद और विमाता सुरुचि से अपमानित होकर हमारा पुत्र वन में कहीं चला गया। कंपिला वासियों से ये समाचार सुनकर मैंने आसपास के सभी वन ढूंढ डाले, किंतु पुत्र ध्रुव का कहीं पता नहीं चला। देखिए ना बिटिया रानी, सारे संसार का ज्ञान रखने वाले नारद मुनि भी कुछ नहीं कह रहे हैं। बताए देवर्षि, बताए, कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरे हृदय का टुकड़ा? कहीं कहीं अपमान के कारण उस कोमल हृदय बालक का हृदय तार तार तो नहीं हो गया? कहीं उसने अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए? ऐसे अशुभ वचन अपने मुख से न निकाले महारानी सुनीति। क्या भगवान विष्णु की उस महान कृपा को भूल गई जो ध्रुव के जन्म के समय स्वयं भक्त वत्सल ने प्रकट होकर आपको प्रदान की थी? मैं कुछ नहीं भूली हूँ देवर्षि, किंतु ध्रुव के ना रहने के कारण मैं विक्षिप्त हो गई हूँ। स्मरण करें महारानी सुनीति कि ध्रुव के जन्म नक्षत्र के समय भगवान विष्णु ने क्या भविष्यवाणी की थी। क्या आज आपको भगवान विष्णु के वचनों पर विश्वास नहीं रहा? नारायण नारायण, क्या आपको विश्वास नहीं कि आपका पुत्र ध्रुव संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनेगा? भगवान के वचन के विश्वास पर तो आज तक जीवित हूं, अन्यथा मैं अपने पुत्र का विछोह एक क्षण भी स्वीकार न कर पाती। परंतु दया निधान, हमारी कब तक परीक्षा लेंगे, कब तक देवर्षि, कब तक? नारायण नारायण। महारानी सुनीति, मैं आपको यही समाचार देने आया था कि आपका पुत्र ध्रुव श्रद्धा भक्ति और आस्था को अंगीकार करके पूर्ण रूप से जप तप और व्रत को समर्पित हो गया है। नारायण नारायण।
महारानी सुनीति, सुखिया माई, अब वो दिन दूर नहीं जब परम भक्त ध्रुव विष्णु भक्ति का नया आदर्श संसार के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। वो शीघ्र ही सफल होगा। नारायण नारायण। जय श्री हरि। मैं भी आपका पुत्र हूँ पिताश्री। मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरा अधिकार प्रदान कीजिए। सम्राट, न्यायवान, महाराज, मनु के सुपुत्र हैं। ये प्रश्न आपका पुत्र नहीं, अभी तो सारा संसार पूछ रहा है। क्या सम्राट मनु का वंश अब सत्य की निष्ठा और सत्य के पथ पर अड़िग नहीं रहेगा? उत्तर दे महाराज, उत्तर दे, उत्तर दे, उत्तर दे महाराज, उत्तर दे। क्या थे पिताश्री कि कोई पिता अपने पुत्र के प्रति निष्ठुर नहीं होता। मेरी विमाता का क्रोध मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपने अनुज उत्तम को अपनी गोद में बिठाया है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे अपना अधिकार प्रदान कीजिए। तुरंत चला जाए यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना है तो तुझे भी उत्तम के समान मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मेरी माता भी आपसे पहले महाराज की प्रिय पटरानी थी। आपको पटरानी बनाने के लिए मेरी महान माता ने जो त्याग किया, आप उसको भूल गई? ध्रुव, तुम्हें हमारी गोद में बैठने का अधिकार कदापि प्राप्त नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। और परीक्षा का फल सदा सुंदर होता है। मेरे पिताश्री महाराज उत्तानपाद को यदि मेरे प्रति हुए अन्याय पर कोई दुख नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो न्याय मुझे मेरे पिताश्री से नहीं मिला वो मुझे भगवान विष्णु से अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, यशस्वी बनो अनुज उत्तम। क्या थे ध्रुव, मेरी इस विवशता का कारण क्या है? प्रिय पुत्र ध्रुव, मेरी विवशता का कारण है तुम्हारी माता प्रिय सुनीति के कारण सुरुचि को दिया हुआ मेरा वचन। मैं मनु वंशी उत्तानपाद अपने दिए हुए वचन से विमुख कैसे हो सकता? इसी कारण पुत्र, इसी कारण मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार न प्रदान कर सका। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, मैं अपने किए पर अत्यंत दुखी हूं। दुख और पश्चाताप की काली छाया ने
मेरे जीवन की सुख शांति छीन ली है। इस समय आपने मुझे दर्शन देकर मुझे भागे पर महान उपकार किया है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। सत्य तो यह है महाराज उत्तानपाद कि अपनी इस दुर्दशा के दोषी आप स्वयं हैं। महारानी सुनीति ने जब आपको सुरुचि से विवाह के लिए विवश किया तब भी आपने अपने नीति सम्मत स्वतंत्र विचारों का प्रयोग नहीं किया और अपने बनाए एक ऐसे दुष्चक्र में पड़ गए जिससे बाहर निकलना स्वयं आपके लिए कठिन हो गया। देवर्षि, महाराज उत्तानपाद, ऐसी ही भूल आपसे पहले आपकी महारानी सुनीति ने की थी जिसका परिणाम वो अब तक भुगत रही है। एक विष्णु भक्त पुत्र को जन्म देकर भी पुत्र वियोग से दुखी है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सुनीति पुत्र वियोग से दुखी है? क्या हमारा प्रिय ध्रुव अपनी माता के पास नहीं है? कहाँ है वो? कहाँ है वो देवर्षि? महाराज उत्तानपाद, बालक ध्रुव इस समय कहाँ है मैं ये बताने नहीं आया हूं। आपकी राज्यसभा से अपमानित प्रताड़ित वो स्वाभिमानी बालक अपनी माता को क्या मुंह दिखाता? नारायण नारायण। तो कहाँ गया मेरा ध्रुव? महाराज उत्तानपाद, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उस बालक को उसके जन्म नक्षत्र के समय स्वयं जगदीश्वर भगवान विष्णु ने ध्रुव का परम पावन नाम प्रदान किया था। ध्रुव अपनी ध्रुव भक्ति और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने उन्हीं जगत पालक जगदीश्वर की शरण में चला गया है। अर्थात मेरा ध्रुव। इस अर्थात के अर्थ में न उलझे महाराज उत्तानपाद। यदि आपके भीतर तनिक भी धर्म नीति और न्याय शेष है तो ध्रुव को ढूंढे, उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करें और उसे मनाकर उसे उसका अधिकार प्रदान करें। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, ध्रुव से क्षमा याचना कर आप अपने कई अपराधों से मुक्त हो सकेंगे। अब विलंब न करें, जाएं ध्रुव को लौटा कर लाएं, जाएं ध्रुव को लौटा कर लाएं, ध्रुव को लौटा कर लाएं महाराज, ध्रुव को लौटा कर लाएं, ध्रुव को लौटा कर लाएं, ध्रुव को लौटा कर लाएं, ध्रुव को लौटा कर लाएं। किसे बातें कर रहे हैं आप? महारानी आप? मुझे पटरानी कहना तो आप कब से भूल गए हैं महाराज, और इसका कारण मुझे भली भांति ज्ञात है। इतने वर्ष बीत गए किंतु मेरी सौत सुनीति आज भी आपके मन में बसी है। सुनीति की बात कहकर हमें और अधिक दुखी न करो सुरुचि। उसके और उसके पुत्र ध्रुव के प्रति किए गए अन्याय के कारण हमारा मन अत्यंत क्षुब्ध है। क्या आप ध्रुव के प्रति किए गए अन्याय का पश्चाताप करने के इच्छुक हैं? क्या आप ध्रुव को न्याय प्रदान करने के इच्छुक हैं? सावधान महाराज, स्मरण रहे, ध्रुव को न्याय प्रदान करने की कल्पना में कहीं आप युवराज उत्तम और मेरे साथ अन्याय करके मेरे क्रोध को उन्मत्त ना कर दे। तुम्हें न्याय प्रदान करने और प्रसन्न रखने की इच्छा के कारण ही तो हम अब तक शांत हैं। शांत ही रहे तो आपके हित में होगा महाराज। सुरुचि, उत्तेजित होना मुझे भी भली भांति आता है महाराज, आप मुझे उत्तेजित होने के लिए विवश ना करें। सुरुचि, तुमने अपना इच्छित सब कुछ पा लिया, अब क्यों हम पर व्यंग बाण बरसा रही हो? क्या
क्या मेरी सौत सुनीति ने आपको इतनी रात गए कोई संदेश भिजवाया था? चकित होकर अनभिज्ञ बनने का प्रयास ना करें महाराज, मैंने अपने कानों से सुन लिया है। अभी अभी आप एक पुरुष से सुनीति के विषय में बात कर रहे थे, मुझे जागता देखकर वो यहाँ से भाग गया। कौन था वो? ये तुम्हारा भ्रम है पटरानी, सुनीति का संदेश लेकर यहाँ कोई नहीं आया था। मैं अपने कानों की सुनी को अनसुनी कैसे कर दूं महाराज? सत्य कहें, क्या आपने महामंत्री को कारक्रय से मुक्त करवा दिया है? क्या सुनीति का हित चिंतक वो अभागा मूढ़ बुद्धि महामंत्री इस समय सुनीति का आदेश लेकर आया था? अपनी कल्पनाओं को विराम दो पटरानी, और यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इसी समय कारागृह में जाकर देख लो। महामंत्री के कारागृह में होने की बात पर तो मैं विश्वास कर लूं, किंतु इस बात पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं कि इस समय हमारे कक्ष में आपसे कोई मिलने नहीं आया। आप मुझसे असत्य ना कहें महाराज। मैं इस विषय में तुमसे कोई बात करने का इच्छुक नहीं हूँ। कौन है ये बालक? हमारे मधुवन में हमारी आज्ञा के बिना क्यों चला आया? कहीं से इसकी मृत्यु तो यहां खींचकर नहीं ले आई? कहीं ये दुष्ट बालक हमारे सोए हुए राक्षस तत्व को जगाने के लिए तो नहीं आया? मधुवन के मीठे मीठे फल खाते हुए मधु की जीभ का स्वाद मीठा हो गया है। अब इस बालक को खाकर मैं अपनी राक्षसी शक्ति को पुनः जागृत करूंगा। दुष्ट बालक कौन है रे तू? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तर दे, अन्यथा एक ही प्रहार में तुझे समाप्त करके अपना निवाला बना डालूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।